नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के बालाघाट में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल का हुआ आगमन, बुद्धिजीवी संगोष्ठी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे पटेल। कार्यक्रम से पहले पत्रकारों से की चर्चा। केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल मंगलवार को बालाघाट पहुंचे, जहां वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 20 साल बेमिसाल कार्यक्रम के तहत आयोजित बुद्धिजीवी संगोष्ठी का हिस्सा बने। इससे पूर्व उन्होंने स्थानीय जिला भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान मंत्री पटेल ने पीएम मोदी के कार्यकाल को वैश्विक पटल पर रखते हुए उनकी नीतियों की तारीफ की और देश को मजबूत बनाने की दिशा में अग्रसर बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि मोदी देश के ऐसे यशस्वी नेता हैं जिन्होंने देश की सेवा के लिए लगातार 20 वर्ष कार्य किया है। इस कार्यक्रम में प्रदेश के आयुष एवं जल संसाधन मंत्री रामकिशोर कावरे, भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश भटेरे, भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य लता एलकर सहित अनेक प्रबुद्ध जन उपस्थित रहे। बालाघाट जिला ब्यूरो नीरज काकुटिया की रिपोर्ट। सीएनजी से भी देने की तैयारी उसकी हो गई। तीसरी बात, उन्होंने कहा कि हर घर को बिजली हो सकती है क्या, जिनने कनेक्शन लेने के पैसे नहीं थे या मन नहीं था, उनको सरकार ने पैसे खर्च करके उनको बिजली उपलब्ध कराई। फिर उन्होंने कहा कि हर घर में स्वास्थ्य की सुविधा हो सकती है क्या, आयुष्मान कार्ड देकर 5 लाख की गारंटी देने वाला अगर कोई नेतृत्व है तो वो मोदी जी का नेतृत्व। अब बात आती है पेयजल की, जिसका मैं भी मंत्री हूँ। हर घर नल से जल या हर घर जल, तो ये जो विचार है और ये हमको 24 तक लक्षित तौर पर पूरा करना है, लेकिन कुछ राज्य हैं जिनने 21 में पूरा कर लिया। जो लक्ष्य था उन्होंने 21 में अचीव किया, उसमें तेलंगाना है, गोवा है, अंडमान निकोबार है, पांडिचेरी। कुछ राज्यों को 22 में पूरा करना है, कुछ को 23 में पूरा करना है, 24 में सिर्फ अपग्रेडेशन होगा। जब कोरोना की महामारी के बीच में हमने जन परिस्थितियों को देखा है, हमें दुखी मन से सही लेकिन अपने आप को भाग्यशाली समझना चाहिए। दुनिया में शताब्दी में आने वाली सबसे महामारी के दृष्टा है आप, उस रास्ते को भोगने वाले, उस रास्ता निकालने वाले आप लोग, आलोचना करने वाले आलोचना करेंगे, लेकिन 125 करोड़ से ज्यादा की आबादी का देश, लेकिन कोई भूखा नहीं सोया। ये भारत की ताकत है, भारत के प्रधानमंत्री 80 करोड़ लोगों को राशन दे देने की गारंटी देना, कभी कोई सोच सकता था? अगर आपके भंडार भरे नहीं होते, क्या पहले भंडार नहीं थे? पहले भंडार होते थे, सड़ते थे और शराब की दुकानों में जाकर बिकती थी। और आज ये फर्क समझना होगा, ये नियत का सवाल है। मतलब दो बातें सबके पास में, यहां पर बैठा हर व्यक्ति है, उसके बाद सोचने की, समझने की, स्वयं की, भविष्य की आने वाली संभावना और चुनौतियों की ताकत, ये मेरे पास भी है और आप सबके पास भी है।